प्रगति, आज मैं आपके साथ ये ग्लू गन को कैसे यूज करते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बताऊँ कि ग्लू गन को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ग्लू गन को दिखने में ऐसी होती है, इसमें एक ये स्टैंड दिया हुआ है, इस स्टैंड को हम खोलकर इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं, इसको ऐसे ही रखना होता है। और इसमें ये ऑन और ऑफ का बटन दिया हुआ है यहाँ पर, इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत इजी है। और इसमें ये ग्लू स्टिक दी होती है, इसको इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे, जब तक इसमें पुश करेंगे, जब तक ये यहाँ तक ना आ जाए या जानी यहाँ तक बंद ना हो जाए, उसके बाद बाकी ये जो ग्लू स्टिक है वो बाहर ही रहती है। और ये इसमें एक ट्रिगर दिया हुआ है, इसके थ्रू हम इसको गन को चलाते हैं। और ये जो नोजल दी हुई, यहाँ से जो ग्लू है वो बाहर आता है। तो मैंने ये ऑनलाइन परचेज की थी अमेजोन से, इसको मेरे को लिए हुए लगभग 2 साल हो चुका है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊंगी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन या फिर किसी बड़ी स्टेशनरी शॉप पर भी अब ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैंने जो ये इसकी जो ग्लू स्टिक्स हैं, इसके साथ फ्री मिली थी मुझे 6 ग्लू स्टिक्स, ऑफर था उस टाइम ऑनलाइन। तो अगर आप ये परचेज करेंगे, पता नहीं आपको ये ग्लू स्टिक उसके साथ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आप अलग से भी ले सकते हैं। आपको इसका यूज़ करना बता देती हूँ। इसमें ये एक प्लग दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर, क्योंकि इसको हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं तब तक इसको यहाँ पर गर्म होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर ये ऑन और ऑफ का बटन है, इससे हम इसको ऑन कर देंगे तो ये यहाँ पर लाइट जल जाएगी और हम इसको यहाँ पर हीट होने के लिए रख देंगे। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम ज़्यादा करते हैं या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कोई प्रोजेक्ट का काम आपको करना है, तो उसके लिए ग्लू गन बिल्कुल परफेक्ट है, आप ये परचेज कर सकते हैं। इससे कोई भी काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें चिपका कर यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस ग्लू गन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बहुत ही इसको चलाना ईजी है और ये सिंपल और ईजी प्रोडक्ट है। और इससे कोई भी चीज़ चिपकती है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसको लिया था मेरे बच्चों की फ्रॉक या कपड़े या कुर्ती, या मेरी कोई कुर्ती होती है उनमें कुछ एस टाइप के बटन्स होते हैं जिनमें फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि नीचे से चपटे होते हैं, वो उनको सिर्फ हम चिपका सकते हैं, उनको सिल नहीं सकते हैं। तो उन्हीं को चिपकाने के लिए मैंने ये गन ली थी, ग्लू गन ली थी। बेसिकली इसको हॉट ग्लू गन बोलते हैं। एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया था, मैं बता देती हूँ। जब ये ग्लू स्टिक यहाँ पर ख़त्म हो जाती है आकर, तो इसमें आपको दूसरी ग्लू स्टिक लगानी होती है। और जब ये दोनों यहाँ पर आकर जॉइंट हो जाती हैं, तो ये अपने आप, इसको आप ट्रिगर को यहाँ से दबाएंगे तो प्रेस करेंगे तो दूसरी ग्लू गन, जो ग्लू स्टिक है वो अंदर जाएगी। तरीके से आप इसमें दूसरी ग्लू स्टिक भी फिट कर सकते हैं। तो ये ग्लू गन यहाँ पर हीट हो चुकी है, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको 2-3 तरह की चीज़ें यहाँ पर चिपका के पेस्ट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मेरे पास एक ये लेस है, हम इसमें लेस में ये ग्लू इस तरीके से लगा लेंगे। कोशिश कीजिएगा ये ग्लू और जो ये ग्लू गन की नोज़ल है, आई थिंक ये एल्यूमिनियम की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है। इसको आप यहाँ पर टच ना कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो इससे जल सकती है। और ये ग्लू भी आपके हाथों में टच ना हो तो अच्छा है, वो भी बहुत गर्म होता है, तो उसको टच ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके हाथ में लग जाएगा तो उससे आपकी स्किन जल सकती है। तो ये देखिए, कोई भी फ्लावर है आपकी फ्रॉक का, बच्चे के फ्रॉक से निकल गया, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल और ईजी है। और अगर आप मेरी तरह अपने घर में कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट, तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे काम है बहुत ईजी हो जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। कोशिश कीजिएगा जब आप इसको यूज़ करें तो फैन ऑन ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी ग्लू ठंडा हो जाता है तो चीज़ें चिपकती नहीं हैं। जो इसके ये थ्रेड्स निकल रहे हैं, अगर ये इस तरीके से जब आपको चिपकाते हैं तो कोई थ्रेड्स अगर रह जाते हैं तो आप ये थ्रेड्स को बाद में, जैसे कि ठंडे हो जाते हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप बनाएंगे तो वो आप ऐसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगेगा देखने में, आप उसको बाद में हटा सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये 2 प्लास्टिक के स्पून है, ये भी इसमें चिपका के दिखाती हूँ, देखना बहुत जल्दी चिपक जाती है। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा, ये ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए,
आप अपने घर में छोटे मोटे काम करते रहते हैं या आपको बहुत अच्छा लगता है कुछ कुछ चीज़ें बनाना, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।